हेलो एंड वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल लेडीज़। समर सीज़न आ गया है और आप जानते हैं कि समर्स में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। एक तो गर्मी बहुत होती है एंड सेकेंडली टैनिंग एंड सनबर्न। आजकल धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि दोपहर में आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए घर से बाहर जाते हो तो आपको सनबर्न या टैनिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी के रिलेटेड होने वाली है, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो मैं सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप बाहर जाएं तो आप सनस्क्रीन लगाकर ही जाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। ये नहीं है कि गर्मियों में बॉडी या स्किन मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं होती। सीजन कोई भी हो, मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन एंड बॉडी इन एवरी सीजन सो दैट आपकी स्किन में जो मॉइस्चर और जो नमी है ना वो बनी रहे। अगर आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होगी तो धूप में आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, जिससे सनबर्न और स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू अप्लाई योर सनस्क्रीन वेदर यू आर गोइंग आउट इन द सन और यू आर स्टेइंग एट होम। तो जब भी आप बाहर जाएंगे, आप घर पे रहें, अपनी सनस्क्रीन को ज़रूर अप्लाई करें। जब आप घर पे होते हैं तो आप कोई भी नॉर्मल SPF वाली सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी आप बाहर जाएं तो SPF 50 और 50+ वाली ही सनस्क्रीन अप्लाई करें, जो कि बाहर जाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आप बाहर जाएं, पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें। अब बात करते हैं टैनिंग रिमूव कैसे की जाए। अगर आपके फेस और आर्म्स के कहीं भी टैनिंग हो गई है तो उसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल घर में मिलने वाले सामान से ही आप एक अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं, जिससे कि आप यूज़ करके टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेसन, सेकेंड थिंग चाहिए हमें लेमन, एक हनी, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा कच्चा दूध कह लो आप इसे, या आप इसकी जगह पे दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी बस एक लिटिल सी पिंच ऑफ हल्दी। हल्दी का आप मैं बता देती हूँ, बिल्कुल इतनी सी हल्दी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हल्दी इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो मैं आपको इसका अंदाज़ा बता देती हूँ कि आप बस इतनी सी हल्दी ले सकते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ इसे बनाना कैसे है। अब आपने बनाना है इसका पेस्ट। पेस्ट ना तो ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा पतला। मैं आपको इसका पेस्ट बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपने इसमें दूध डालना है, दूध जैसे कि मैंने बताया आपको कच्चा दूध हो तो बेस्ट है, उबला ना हो मतलब। इसमें डालना है आपने एक लेमन, आप पूरा एक लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। बेसन मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी में लिया है क्योंकि मैं जस्ट आपको सिर्फ बना के दिखा रही थी। तो आप अपने फेस और अपने बॉडी के हिसाब से बेसन ले सकते हैं। तो इसमें फुल लेमन आपने स्क्वीज़ कर लेना है। अगर आप फुल बॉडी पे लगा रहे हैं तो आप इसमें दो लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 स्पून हनी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप अपने बॉडी के हिसाब से जितना बेसन ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आप इसमें हनी डाल सकते हैं। अगर आप फुल बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं या आपकी जैसे जो आपका कटोरी है वो इतना भरा हुआ है बेसन के साथ फुल बॉडी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं तो आप इसमें 2 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। अगर आप बहुत कम या अपने सिर्फ आर्म्स और फेस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ही डालना। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। इसमें मैंने हल्दी ऐड नहीं की है, जैसे कि मैं आपको बताया इस वक्त मेरे पास हल्दी अवेलेबल नहीं थी। इसी के बीच में आपने एक पिंच या जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताया है
उस हिसाब से आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इतनी कटोरी में बेसन ले रहे हैं या आप फुल बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, फुल ऑफ जो बॉल है आप बेसन का ले रहे हैं, तो उसमें आप दो चुटकी भी दो चुटकी हल्दी की डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है। पेस्ट ना ही ज़्यादा आपका गाढ़ा हो और ना ही पतला हो, कि ऐसा ना हो कि आप लगाएं और जस्ट वो रन करे आपकी बॉडी से, ऐसा मतलब आपको बिल्कुल थिक सा पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट लगाना है आपने जहाँ भी आपके टैनिंग हुई है, और 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे मसाज करनी है और मसाज कर कर ही इसको रिमूव कर देना है। इससे आप चाहे डेली नहा भी सकते हैं या वीकली 3 बार पैक लगाकर अच्छे से मसाज करके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मसाज करके इसको अच्छे से रिमूव करना है, वैसे भी कर सकते हैं। इससे आपकी टैनिंग धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। अभी मैं आपको इसको लगा के बता देती हूँ। जैसे कि आपने इसको अप्लाई करना है और इसे लगाकर थोड़ी देर के लिए ऐसे अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसको अच्छे से ऐसे राउंड राउंड में मसाज करके रिमूव कर देना है। अच्छे से मसाज करनी है ताकि जो भी आपकी डेड स्किन और टैनिंग है वो रिमूव हो जाए। वैसे तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे उसके बाद से ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको देख रहे हो कि काफी हद तक इसमें ना जैसे ब्राइटनेस ही आ जाती है स्किन में, वैसे हो गया। आपने इसे धोना है, मैंने इसे टिश्यू से साफ कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से धोना है और इसे अच्छे से धोने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। देखो आपको मैं डिफरेंस दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से ब्राइट हो जाती है इससे ना स्किन। तो आप जैसे कि डिफरेंस देख सकते हैं मेरे हैंड्स में, ये मतलब बॉडी पॉलिशिंग और टैनिंग रिमूवल और आपकी जो स्किन ब्राइटनिंग के लिए है ना, बहुत अच्छा पैक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर पर। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।